पिछले ही हफ्ते बिग बॉस 15 में 5 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई, लेकिन शो की टीआरपी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। शो में कंटेस्टेंट चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा है तो कोई किसी को नीचा दिखा रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी मेकर्स की हर कोशिश बर्बाद होती दिखाई दे रही है। इस शो को शुरू हुए हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन एक बार भी इसका नाम टीआरपी के टॉप शोज की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। ऐसे में अब मेकर्स की नजर बिग बॉस के पुराने सीजन में हिस्सा ले चुकी उस कंटेस्टेंट पर है जो अपनी हंसी से ही लाखों करोड़ों जनता को अपना बना लेती है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने हाल ही में शहनाज गिल को इस शो का हिस्सा बनने के लिए अप्रोच किया है। मेकर्स चाहते हैं कि शहनाज इस शो में बतौर गेस्ट आएं और कंटेस्टेंट्स के साथ कुछ दिन बिताएं। अब शहनाज या उनकी टीम की ओर से इस बात पर अभी कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन अगर वो इस शो का पार्ट बनती है तो मेकर्स का फायदा होना तो गारंटीड है। शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया और शो खत्म होने के बाद वो ऑडियंस के बीच और पॉपुलर होती चली गई। उनके बबली और मुंहफट अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। इससे पहले भी उन्होंने बिग बॉस OTT में बतौर गेस्ट एंट्री मारी थी। इस दौरान शहनाज के खास दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला भी उनके साथ थे। आप कहीं मत जाइए और abplive.com के साथ बने रहिए। ABP News आपको रखे आगे।